दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 356 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो कुल 10,680 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत जल्द ही 11,000 सवाल होने वाला है, ठीक है। एक अच्छा खासा आंकड़ा हमारे पास आ रहा है दोस्तों, 11,000 सवाल इस क्लास में, क्या गजब की बात है ना। चलिए आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है यह भारत की अन्य प्रमुख नदियां। इसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, वहां संबंधित जितनी नदियां थी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, पूर्वोत्तर की जो नदियां थी, फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, वहां पे गंगा और गंगा के आसपास की जो नदियां थी। आज थोड़ा सा अलग हटके पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है ये अन्य नदियों संबंधित है। इसके बाद जो मैंने टॉपिक चुना है वो इस तरह से टॉपिक चुना है कि बंगाल की खाड़ी में गिनने वाली नदियां एक बार पढ़ा जाएगा, एक बार अरब सागर में गिनने वाली नदियां पढ़ा जाएगा, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं एक इनशॉर्ट वीडियो दूंगा, 25-30 इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, ताकि बचा कुचा जो और है वो बात भी क्लियर हो जाए, है कि नहीं। तो मजा खूब आने वाला है, बस आप क्लास में बने रहिए। स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। मैं बार बार इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताता हूं लेकिन मुझे लगता है कि आप समझते नहीं है। देखिए ये जो क्लास चल रही है ट्रेलर है, ट्रेलर से पूरी पिक्चर नहीं समझ में आएगी। पिक्चर देखनी है तो मुझे मौका दीजिए हमारे फाउंडेशन कोर्स में, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। एक बार आप ज्वाइन किए ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, सर कितना गजब का बैच है, ठीक है। चलिए आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि कितने सवालों का जवाब आज हमारी क्लास में आप दे पाते हैं। पहला सवाल लिखा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, यह बताना। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह कौन सी थी, तो याद रखिएगा इसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। सवाल अभी का एक सवाल और मन में आ रहा होगा, सर अगर ये भारत की पहली थी तब तो इसका निर्माण बहुत पहले हुआ होगा, आजादी के टाइम का होगा। हाँ, आजादी मिली थी 47 में और ये परियोजना थी 1948 की। कब की थी? 1948 में इस परियोजना को दोस्तों स्टार्ट किया गया था। ये आप एक सवाल याद रखिएगा। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है जो आप याद रखिएगा। पहली बात पूछता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से था, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पहाड़ी से। कहां से? छोटा नागपुर पहाड़ी से इसका उद्गम है दामोदर का। और जो दामोदर नदी है ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। ये आप याद रखेंगे। और यहीं से एक नहर निकाली गई है दामोदर नदी से, उसका नाम है एडन नहर, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा नया हो गया ना, एडन नहर, ठीक है। कौन सी नहर? एडन नहर कहाँ से निकली है? तो ये दामोदर नदी से निकली हुई है। एक लाइन आप इसे याद रखिएगा। बाकी इसे पश्चिम बंगाल का सोक कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दामोदर क्या जानते हैं दोस्तों? इसे पश्चिम बंगाल का सोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का सोक, क्योंकि इसके कारण से दोस्तों, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है तिलैया बांध, नाम सुना होगा तिलैया बांध का, या बाल पहाड़ी बांध या मैथान बांध, ये किस नदी पर है? अब जो रटे रटाए वाले बच्चे हैं ना, फटाक से उत्तर दे दिया, सर दामोदर। लगता है दामोदर के बाद दामोदर की बात करेंगे। मैं जानबूझकर इस सवाल को रखा था ऐसा कि आप इसका जवाब ना दे पाए। याद रखेगा यहाँ पर ये जो बांध बना है ये बराकर नदी पर बना हुआ है, ठीक है, बराकर नदी। और जो बराकर नदी है ये दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है, दामोदर की सहायक नदी। कौन सी है? बराकर नदी है। तो ये जो बांध बना हुआ है ये बराकर नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे। और जो बराकर नदी दोस्तों ये बहती कहां से दोस्तों? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है, ठीक है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ये मैं बता रहा हूँ बराकर के बारे में। तो तिलैया बांध भी खूब परीक्षा में पूछा जाता है और मैथान बांध भी पूछा जाता है, तो याद रखेगा ये बराकर नदी पर बना हुआ बांध है। अगला सवाल, अय्यर बांध किस नदी पर बना हुआ? अय्यर, ठीक है। अब लगेगा सर साउथ का आ गया क्या? नहीं, साउथ का नहीं, नाम केवल ऐसा लग रहा दोस्तों। अय्यर बांध हो गया, बेरमो बांध हो गया, पंचेत हिल बांध। अब तो बता दो
यहाँ अक्सर परीक्षा में लिखा रहता है पंचेत हिल बांध, ठीक है। कर पंचेत हिल बांध ये किस नदी पर बना हुआ दोस्तों, तो अब जाकर आपका जवाब क्या होगा, दामोदर नदी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, कि आप कंफ्यूजन में अपना जवाब गलत कीजिए, ठीक है। तो पंचेत हिल, अय्यर बांध और बेरमो बांध ये कहाँ बना है, दामोदर नदी पर। बाकी जो ऊपर पढ़े आपने, ठीक है, जैसे तिलैया बांध या मैथान बांध, ठीक है, या बाल पहाड़ी बांध, ये जो है ये बराकर नदी पर बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बराकर नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, कोनार बांध एवं बोकारो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो कोनार बांध है, ठीक है, ये जो कोनार बांध है ये कोनार नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, ये इस नदी का नाम भी कोनार है। और जो बोकारो बांध है, ये किस नदी पर बना हुआ, तो इस नदी का नाम भी बोकारो है, ठीक है। इस नदी का नाम भी क्या है, बोकारो नदी है। तो ये दोनों बांध दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है, कोनार बांध कोनार नदी पर है और बोकारो बांध जो है दोस्तों ये बोकारो नदी पर है। ये दोनों एग्जैक्ट आप ऐसे ही एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो बोकारो बांध है दोस्तों, इसके बारे कोनार के बारे में पहले बता दूं, कोनार जो है, ये जो कोनार है ये दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है, दामोदर नदी की उपनदी लिख दूं का, सहायक नदी का मतलब क्या हो गया, उपनदी है, कौन सी, कोनार नदी, ठीक है। तो ये दामोदर का हो गया, और ये जो बोकारो देख रहे हैं, बोकारो जो है इसका उद्गम याद रखें, परीक्षा में पूछा जाता है बोकारो का उद्गम, इसका उद्गम है हजारीबाग, कहां से निकलती है नदी दोस्तों, हजारीबाग झारखंड, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने का उसे स्वर्ण नदी का नाम दिया जाता है, तो याद रखेगा आपका उत्तर है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा ऐसी मान्यता है, ठीक है। और सोन नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है, वो भी आप याद रखें, ठीक है। यहीं से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा भी यहीं से निकलती है, ये आप याद रखेंगे। और महानदी भी दोस्तों यहीं से निकलती है, ठीक है, नर्मदा, महानदी और सोन, ठीक है। सोन नदी के किनारे ही पटना बसा हुआ है, सोन नदी और गंगा नदी जहां जाके मिलती है उसी के आगे जस्ट दोस्तों पटना है, पाटलिपुत्र पटना, ठीक है, तो उसे भी याद रखेंगे। करा कनहर हो गया, रिहंद हो गया और उत्तरी कोयल नदियां हो गई, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये सोन की सहायक नदियों के अलग अलग जो है नाम है वो आप याद रखेगा, ठीक है, सोन नदी की सहायक नदियों की नाम है, ठीक है। इसमें से रिहंद नदी का नाम सुना होगा, रिहंद नदी पर ही दोस्तों रिहंद बांध बनाया गया है, ये आपको पता होगा, ठीक है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध है। उत्तरी कोयल ये नदी का नाम है, इसे उत्तर कोयल भी कहा जाता है और उत्तरी कोयल भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है, ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और इसका नाम है महानंदा नदी, हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, आपको याद होगा महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी ये अंतिम हिमालयी नदी है, ठीक है, अंतिम हिमालयी नदी है जो गंगा से मिलती है, ठीक है, गंगा से मिलने वाली अंतिम हिमालयी नदी है, ऐसे इसे याद रखिएगा, इसका नाम है महानंदा नदी, क्या नाम है, महानंदा नदी, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, इसे याद रखिएगा। एक नदी दोस्तों केन बेतवा, ठीक है, और केन और बेतवा ये जो दोनों नदियां दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित नदी है, कहां पे स्थित है दोस्तों, केन और बेतवा ये दोनों मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और ये जो लिंक परियोजना है ये क्या करेगा, तो ये केन नदी के जल को बेतवा नदी में भेजेगा, ठीक है, बेतवा नदी में भेजेगा। इस कारण दोस्तों इस लिंक परियोजना को बनाया गया है, क्योंकि केन नदी में ज्यादातर जल रहता है, वहां जल की अधिकता है, जबकि बेतवा में पानी नहीं रहता है, इसके वजह से बड़ी दिक्कत होती है, तो खास करके जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसे बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसे बहुत लाभ मिलेगा, बाकी बुंदेलखंड झांसी ललितपुर इन सभी बेल्ट को लाभ मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल कह रहा है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो एक राज्य नहीं, इसे दो राज्य मिलकर संचालित कर रहे हैं, एक तो मध्य प्रदेश राज्य है, दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य है, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा है कि सिंधु सभ्यता का स्थल है आलमगीरपुर, अगर मैं सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊं तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक
पूर्वी स्थल है वो क्या है दोस्तों, वो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दायमाबाद। क्या नाम है? दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, ठीक है। और जो सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है इसका नाम है सुतकांगेडोर। क्या नाम है? सुतकांगेडोर, ठीक है। और जो सर्वाधिक उत्तरी स्थल है इसका नाम है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? ये मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल आपसे कह रहा सिंधु सभ्यता का जो स्थल आलमगीरपुर है वर्तमान में मेरठ में स्थित, मेरठ जिले में स्थित है। और यहां से कौन सी नदी गुजरती दोस्तों? तो यहां से हिंडन नदी गुजरती। कौन सी? हिंडन नदी गुजरती है। और जो हिंडन नदी है यह यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। टोंस, हिंडन, इन सबका नाम पड़ा था ना, तो याद रखिएगा ये मेरठ और गाजियाबाद वाले बेल्ट में चलती है हिंडन नदी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, देखिए कठिन कुछ नहीं भाई, बस मन लगा के आपको पढ़ने की जरूरत है, आनंद आएगा, बस ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला सवाल है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या दोस्तों, जहां कहीं बांध बनाया जाता है ना, जब कहीं पर बांध बनाया जाता है, मान लीजिए यहां पर एक बांध बना दिया गया, ठीक है, बहुत ऊंचा बांध बना दिया गया, तो बांध के एक साइड में क्या कर, बांध बहुत ऊंचा होता है तो बांध के एक साइड में दोस्तों ये जल क्या होता है दोस्तों, ये जल भरा होता है, ठीक है। जब इतना जल भरा होता है तो इसी को समुद्र का नाम दिया, समुद्र या सागर मान लिया जाता है, क्योंकि इसका आकार में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और वही कारण है कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये जलाशय दोस्तों ये किस नदी से संबंधित है, किस नदी के पानी को रोक करके गोविंद बल्लभ पंत जलाशय का निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा ये रिहंद नदी के पानी को रोककर किया गया, ठीक है, रिहंद नदी के पानी को रोक करके ये जलाशय बनाया गया है। और कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा सोनभद्र में, कहां पर? सोनभद्र में जलाशय स्थित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल करिए, अगर उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी जानी जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी जानी जाती है। चंबल नदी को पहले चर्मवती नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसे क्या बुलाते थे, इसे चर्मवती नदी कहा जाता था, ठीक है। ये अपने उत्खात भूमि या अपने बीहड़ भूमि के लिए जानी जाती, ठीक है, अपने बीहड़ों के लिए ये नदी प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्खात बीहड़ माने जानते हैं, इसीलिए इन्हीं बीहड़ों में ददुआ और बीरप्पन जैसे डाकू रहते थे, क्योंकि वहां कोई रोड वोड है नहीं, तो बीहड़ में जाके छुप जाते थे, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। तो उत्खात भूमि के लिए नदी जानी जाती है। और जो चंबल नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यह यमुना की सहायक नदी, यह भी याद रखेगा। और यह निकलती कहां से दोस्तों? मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो उसका उद्गम कहां है? तो जनापाव पहाड़ी, ठीक है, जनापाव पहाड़ी, ये पड़ता है महू में। कहाँ पड़ता है? महू में दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। हाँ, महू में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, तो ये लाइन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि चंबल परियोजना का संबंध ये किस राज्य से है? किस राज्य ने दोस्तों जैसे चंबल नदी बहती कहां दोस्तों, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो याद रखेगा इस परियोजना का संबंध भी किससे है, याद रखेगा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से, ठीक है भाई। जहां नदियां बहेंगी, जहां उनका अपवाह क्षेत्र होगा, वहीं से तो परियोजना संबंधित होगी, तो याद रखेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है ये चंबल परियोजना का संबंध। चंबल परियोजना के तहत दोस्तों कई सारे बांध बनाए गए हैं, जिनमें से एक बांध है दोस्तों गांधी सागर बांध, ठीक है। गांधी सागर बांध दोस्तों ये कहां स्थित है, तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगला सवाल आता है कि गांधी सागर बांध ये किस नदी पर दोस्तों, किस नदी के जल को रोक कर बनाया गया है, तो याद रखिएगा ये चंबल नदी के जल को रोक करके गांधी सागर बांध बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है महाराणा प्रताप और जवाहर सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है, तो ये दोनों बांध दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में किस नदी पर ये बांध बने हुए दोस्तों, तो याद रखिएगा चंबल नदी पर ये बांध बना हुआ, चंबल नदी पर ये तीनों बांध है, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप, ठीक है। ये तीनों बांध आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आगे से इन सवालों को आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा लखनऊ और जौनपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी कहां से निकलती है दोस्तों, याद रखेंगे पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। पीलीभीत में एक झील है, उसका नाम है फुल्हर झील। कौन सी झील? फुल्हर झील, वहीं से दोस्तों ये निकलती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और सुल्तानपुर भी दोस्तों इसी नदी के किनारे स्थित है, तो उसे भी याद रखेगा, ठीक है। फुल्हर जी की गोमत ताल है यार, गोमत ताल है ना,
गोमती गोमत ताल से निकलती, ठीक है, गोमत गोमत ताल से निकलती, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और रहा होगा, ठीक है, ये गोमत ताल से निकलती है, या आप याद रखेंगे जो पीलीभीत में स्थित है, या आप अच्छे से जानिएगा, ठीक है। तो लखनऊ हो गया उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं, सुल्तानपुर जहाँ से राम जी होते हुए वनवास को आगे बढ़े थे, ये सभी जो शहर हैं ये गोमती नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि क्लास कितनी लंबी है, ठीक है, ये जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वैसे तो ये क्लास सुबह के 9 बजे चलती है, बट आपके पास जब भी समय हो आप इस प्लेलिस्ट में आकर पूरी क्लास को देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन आपको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब कहीं ना कहीं जानिए आपकी कमी है, ठीक है। अब तक दोस्तों इस सीरीज में हम लोगों ने 355 से अधिक लेक्चर अटेंड किया है, अब तक दोस्तों 10,600 से अधिक दोस्तों सवालों पर, जिस तरह से हम एक एक सवाल पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे हम लोग 10,600 सवाल पढ़ चुके हैं, और अब तक ये 5 बड़े विषय समाप्त हो चुके हैं। बाकी जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है मुझसे, ठीक है, कि सर हिंदी की क्लास आपकी कब चलती है, तो याद रखेंगे रात को 8 बजे, ठीक है, डेली रात को 8 बजे दोस्तों ये हिंदी की क्लास चलती, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आइए मुद्दे की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि कोसी परियोजना का संबंध किससे, तो कोसी परियोजना दोस्तों जाहिर सी बात है कोसी नदी पर बनी हुई होगी, ठीक है, ये किस नदी से संबंधित होगी, कोसी नदी। वैसे ज्यादातर जो लोग हैं वही जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का सोख कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिहार का सोख। आज मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा यार किसी नदी के बारे में शब्द बोलना, किसे फला जगह का सोख कहा जाता है, उस नदी को कितना जो है ग्लानी फील होता होगा ना, तो अभी इसके बारे में 2-3 अच्छी बातें मैं बताता हूँ। पहले इस सवाल का उत्तर देखिए, ये जो परियोजना है ये दो देशों से संबंधित है, एक भारत और नेपाल, क्योंकि जो कोसी नदी दोस्तों ये नेपाल से निकलकर भारत आती है, इसलिए दोनों ये देश मिल करके इस परियोजना को चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो कोसी नदी है दोस्तों, कोसी जो नदी है, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसे मिथिला की जीवन रेखा कहा जाता है, मिथिला, मिथिला का नाम सुने है ना, मिथिला जहां की माता जानकी थी, माता सीता, ठीक है, राम जी का ससुराल, ठीक है, तो लिख रहा है मिथिला, मिथिला की जीवन रेखा, ये आप नहीं पढ़े होंगे हो सकता है, ठीक है, जीवन रेखा, मिथिला की जीवन रेखा, जैसे जैसे हम सिक्किम की जीवन रेखा तिस्ता को कहते हैं ना, उसी तरह से मिथिला की जीवन रेखा किसे कहते हैं, कोसी को कहा जाता है, एक लाइन इसको याद रखेगा, और मिथिला की संस्कृति का पालना भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, मिथिला, मिथिला की, मिथिला की संस्कृति का, संस्कृति का पालना, संस्कृति का पालना भी किसे कहा जाता है, यह भी कोसी नदी को कहा जाता है। तो आपके जो डिक्शनरी है उसमें कुछ नया सवाल नोट हुआ ना, मजा आया पढ़ के ना, इसी तरह तो नई नई चीजें मैं ढूंढते रहता हूँ, ठीक है, जब तक मैं ढूंढता नहीं तब तक मुझे भी चैन नहीं रहता, ठीक है। कर गंडक परियोजना का संबंध दोस्तों किससे है, देखिए गंडक जो परियोजना है ये किस नदी से संबंधित है, याद रखेगा ये गंडक नदी से संबंधित है। गंडक नदी को ही पुराने समय में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था, इसे सदा नीरा नदी के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, नेपाल में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नारायणी, नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, इसी में सालीग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, ये वही नदी है जहां पर क्या पाया जाता है, सालीग्राम पत्थर पाया जाता है, जिसके बारे में बताया था, यहाँ मुक्ति मुक्तिनाथ नामक क्षेत्र वहीं पर दोस्तों यह है। और ये जो परियोजना है ये पहली बात कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो नेपाल में है, नेपाल के साथ साथ दोस्तों इस परियोजना में और कौन शामिल है, इस परियोजना में नेपाल के बाद याद रखेगा बिहार जो प्रमुख राज्य उसकी बात करें, कुल 3 लोग शामिल हैं, ऐसे भारत बोल देंगे तो काम नहीं चलेगा, और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश उतना नहीं, बिहार का योगदान ज्यादा इस परियोजना में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी पूछे सवाल कि गंडक निकलती कहाँ से, तो धौलागिरी जो श्रेणी है हिमालय की, उस स्थान से एक मुक्ति धाम नामक क्षेत्र पड़ता है, वहीं से निकलती है, इसलिए उसी स्थान पर सबसे ज्यादा सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो मुक्ति धाम क्षेत्र है, ठीक है, मुक्ति धाम या मुक्तिनाथ जो क्षेत्र है, यहीं से दोस्तों इसका क्या है, उद्गम है, ठीक है, यहीं पर इसका क्या है, उद्गम है, इसे आप याद रखेंगे, ये गंडक परियोजना के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा जल प्रवाह के आयतन की माप का मात्रक क्या है, ठीक है, ओहो ये सवाल कहां बीच में आ गया, ठीक है, जल प्रवाह के आयतन का मात्रक, देखिए जितना भी पानी जिस स्पीड से नदी में बहता उसे क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों मापा जाता है, या आप याद रखेंगे किसमें मापा जाता है, क्यूबिक क्यूबिक
फिर लिखिएगा मीटर, फिर लिखिएगा प्रति सेकंड, ठीक है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों मापा जाता है, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्यूसेक कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों दो बातें हैं दोस्तों, या तो क्यूसेक लिखा रहेगा या तो क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड लिखा रहेगा, ये दोनों एक ही बात है, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये आप जानिएगा। अगर क्यूबिक लिखा रहेगा तो इसके आगे मीटर प्रति सेकंड लिखना जरूरी है, लेकिन क्यूसेक के आगे मीटर प्रति सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों एक माप का मात्रक है कि किस स्पीड में जो नदियों का जल है वो बहता है, ये इसके बारे में दोस्तों बताता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो पीछे तो मैंने बताया था कि दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, कहां से निकलती है, छोटा नागपुर, नागपुर पठार से निकलती है, और दामोदर नदी जाकर इसका मुहाना कहां पर दोस्तों, तो इसका मुहाना है हुगली नदी, कौन सी, हुगली नदी इसका मुहाना है, ठीक है, हुगली नदी, इसीलिए से हुगली की सहायक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत की सबसे दूषित नदी में भी दोस्तों इसकी गिनती की जाती है। करा पूर्णा, गिरना और पंजारा, कौन कौन सी नदी, पूर्णा नदी, गिरना नदी और पंजारा नदी, ये जो नदी दोस्तों ये किस नदी की शाखाएं हैं, या किस नदी की उपनदी है, या किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखेगा ये सभी जो नदियां हैं ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और ताप्ती नदी दोस्तों ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, ठीक है, सॉरी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ दोस्तों, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर ये बहती नदी, और जाकर दोस्तों अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, खास करके अरब सागर में कहां पर, तो याद रखेंगे खंभात की खाड़ी में, कहां पर, खंभात की जो खाड़ी है वहां पर, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियों का नाम पढ़ते हैं, सतपुड़ा के दक्षिण में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है, सतपुड़ा के दक्षिण में यह ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होते हुए नदी बहती है, उसी तरह से सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये आप याद रखेंगे। करा सरयू नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, देखिए सरयू कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों, सरयू कोई और नदी नहीं है, घाघरा नदी को ही दोस्तों सरयू नदी नाम दिया गया है। घाघरा आगे चल के दोस्तों राप्ती नदी से मिलती है, राप्ती नदी जिसके किनारे गोरखपुर स्थित है, कहां पर दोस्तों, बरहज नामक स्थान पर, कहां पर, बरहज, बरहज पड़ता है दोस्तों देवरिया में। फिर दोस्तों राप्ती नदी को लेते हुए ये सरयू नदी और आगे आती है, और आगे आके अब देखिए चाहे उसे सरजू कहिए चाहे उसे घाघरा कहिए, घाघरा या सरजू और आगे आती है, और आगे आके छपरा नामक स्थान पर, बिहार में छपरा, आ रही ले छपरा ही ले, वही वाला छपरा, ठीक है। तो छपरा में आकर दोस्तों ये किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, कौन सी नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी या सरयू नदी गंगा से कहां मिलती है, छपरा में आके मिलती है। तो इस तथ्य को भी आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। करा गंडक नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, ठीक है, गंडक की कौन सी नदी दोस्तों, वही जो हमने पीछे पढ़ा नारायणी नदी, ठीक है, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, नारायणी नदी, जहां पर शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, शालिग्राम पत्थर पाया जाता है, ये उसी नदी के बारे में पूछ रहा है। करा गंडक नदी जो है ये गंगा नदी से दोस्तों आगे कहां मिलती है, तो हाजीपुर नामक स्थान पे मिलती, कहां पर, हाजीपुर में आकर दोस्तों यह गंगा से मिलती है, गंडक नदी आके गंगा से मिलती है, यह आप याद रखेंगे। और मुक्ति धाम से दोस्तों इसका उद्गम था, वो सवाल भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि जो कोसी नदी है यह गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तभी कोसी के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कोसी को क्या कहा जाता है, मिथिला की जीवन रेखा कहा जाता है, मिथिला की जीवन रेखा कहा जाता है, और इसे मिथिला की संस्कृति का पालना भी कहा जाता है, ठीक है, मिथिला संस्कृति का पालना भी इसे कहा जाता है। ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे, हमेशा आप बिहार का अशोक कहते हैं उसके साथ साथ ये भी याद रखिए। अब बताइए मुझे कि कोसी नदी आके गंगा नदी से दोस्तों कहां पर मिलती है, तो भाग क्याई भागलपुर नामक स्थान पर दोस्तों, ये सब बिहार में स्थित है, वहीं पर एक कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा मिलती छपरा में, गंडक मिलती है आपके हाजीपुर में, और कोसी नदी मिलती है आके भागलपुर में, ठीक है, ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। करा गंडक नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गंडक नदी के किनारे दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये किसके किनारे है दोस्तों, ये गंडक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। थोड़ा सा लीक से हट करो, ये शालिग्राम वाला है, ठीक है, जहां शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं जिस नदी में, ये वही वाला सवाल है। अगला है महानंदा नदी, महानंदा नदी मैंने पहले बताया था दोस्तों, ये अंतिम हिमालयी नदी है, यह अंतिम
अंतिम हिमालयी हिमालयी नदी है जो गंगा से मिलती है, ठीक है, जो गंगा से मिलती है, यानी गंगा से इसके बाद कोई नदी नहीं मिलती है। अगर दाएं साइड की बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड से मिलती है, ठीक है। और ये आके कहाँ मिलती है दोस्तों, सीधा बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में एक स्थान है नजीबाबाद, ठीक है, कौन सा है, नजीबाबाद या नजीबाबाद, ठीक है, वहां पर दोस्तों आकर के ये मिलती है, ठीक है। नजीबाबाद नहीं यार, नहीं नजीबाबाद नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बांग्लादेश में नवाबगंज है क्या, एक बार चेक कीजिएगा, नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज कोई स्थान है, ठीक है। वहां पे आकर दोस्तों एक बार स्टार लगा दूं क्या यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर आके दोस्तों ये नदी जो है गंगा से मिलती है, मैं महानंदा की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि हीराकुंड बांध, ठीक है, जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध दोस्तों ये महानदी पर बना हुआ, महानदी ये कहां रहती है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, उड़ीसा में इसके कारण दोस्तों बाढ़ आता है, इसलिए ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कुनकुन, कुनकुन नहीं दोस्तों, पुनपुन होगा यहां पे, क्या होगा दोस्तों, पुनपुन, पुनपुन नदी, कुनकुन नहीं है, पुनपुन नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती, बहुत छोटी सी नदी है, इस वजह से आप शायद इसके बारे में ना पढ़े हो, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यह नदी फतुहा नामक स्थान में मिलती है, फतुहा कहां स्थित भैया, फतुहा बिहार में स्थित है, ठीक है, ये बिहार में है, पुनपुन नदी यहीं पर आकर मिलती है, और ये बिहार और झारखंड की एक प्रमुख नदी है, पुनपुन नदी बुलाते हैं इसे, क्या बुलाते हैं, पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। करा कोसी नदी के मुख्य धारा का नाम क्या है, जो कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी के बारे में भी आपने क्या पढ़ा कि अगर इसके उद्गम की बात किया जाए, इसके उद्गम की बात करें तो यह दोस्तों मुक्ति धाम से निकलती है, कहां से निकलती है, मुक्ति धाम से निकलती है, ठीक है, यहीं पर शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन वहां से निकलने वाले जो इसकी मुख्य, जैसे गंगा जी की मुख्य धारा को भागीरथी बुलाते हैं, उसी तरह से जो कोसी नदी की मुख्य धारा है ये अरुण के नाम से जानी जाती है, और एक्चुअली में यह तिब्बत से निकलती है, कहां से निकलती है, यह तिब्बत से निकलती है, तो इसे अरुण नाम से जानते हैं, ठीक है। तिब्बत में दोस्तों गोसाई थान चोटी है, कौन सी है, गोसाई, गोसाई थान चोटी, ठीक है, गोसाई थान चोटी, ये नदी वहां से निकलती दोस्तों, तब दोस्तों ये आगे बढ़ते आती है, इसका मुख्य धारा है। इतना डिटेल में जाके सवाल नहीं पूछेगा, बट फिर भी आप याद रखें, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है, गोदावरी नदी को, ठीक है। और गोदावरी नदी को दोस्तों बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा, या गोदावरी नदी को बड़ी गंगा भी कहा जाता है, गंगा बड़ी गोदावरी, ठीक है, गंगा, ठीक है, या फिर गोदावरी को गंगा की बहन भी कहा जाता है, ठीक है, गंगा की बहन, ये सब दोस्तों टाइटल है, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, ठीक है। और निकलती कहां से दोस्तों, अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां है, इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत, कौन सा, इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत, और ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये नासिक में स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत, ये आप याद रखेंगे, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और एक चीज और आप याद रखेगा, यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी भारत की, भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे सबसे बड़ी नदी है, ये तथ्य भी दोस्तों आप याद रखेंगे। इसी तरह से प्रायद्वीपी भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी दोस्तों, तो उसका नाम है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी ये प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती, ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से निकलती, पश्चिमी घाट में एक स्थान पड़ता है महाबलेश्वर, क्या पड़ता है, महाबलेश्वर, ठीक है, ये महाबलेश्वर से ही दोस्तों निकलती है कृष्णा नदी, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ये प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए आपको लगता है कि बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, लेकिन गंभीर होकर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, हमने आज तक जितना भी लेक्चर दिया ना, कहीं कोई मजाक नहीं किया, ठीक है, बहुत शालीनता से, बहुत शांति से, एक एक टॉपिक, एक एक मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया, और आप चाहते भी हैं कि सर हमें कोई ऐसा जगह मिले जहां हम डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ पाएं, एक एक टॉपिक पढ़ पाएं, तो दोस्तों स्टडी 91 से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो एक समय से, मतलब 2017-18 से चल रहा है, और लगातार दोस्तों जो चीजें मैंने ठाना वो मैंने पूरा किया, मैं पीछे पलट के नहीं देखता कि व्यूज आ रहा है कि नहीं, कमेंट आ रहा है, लोगों ने लाइक्स किया कि नहीं, कि कोई मतलब नहीं, मुझे अपना पूरा करना, मुझे मेरा है कि भाई मैं 25,000 सवाल पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अब चाहे आप लोग देखिए चाहे ना देखिए, सब आपकी मर्जी है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैंने पहले भी ये जितना भी सब पढ़ रहे हैं ना, ये यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब पढ़ा दिया हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से। आप इंडियन ज्योग्राफी एक बार जाके देखिए, ये जो लेक्चर यहाँ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, यहाँ डिटेल लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पर दिया, आप चाहे फ्री में पढ़ सकते हैं,
और नोट्स चाहे तो खुद से बना सकते हैं, नहीं बना पा रहे हो तो दोस्तों ये कॉपी पे नोट्स आपको बना के दिया गया, आप हमारे नोट्स से परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से। कहीं कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आइए, वहां नंबर दिया गया है, फोन कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है दोस्तों पूरी तरह से निःशुल्क है, वो आपको हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।